साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी भी हैं और फिर यूट्यूबर भी हैं जिस पर खेलती साहब, तो कैसे हैं आप? जुबेरिया, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया मेरे चैनल को। सर आज आपने बड़े मजेदार किस्म की एक ट्वीट की थी पीडीएम के जनाजे से लेकर उसको कंधा देने तक, मैंने भी पढ़ी और आपके बहुत से फॉलोअर्स ने भी पढ़ी होगी। उसी से रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगी कि फजलुर रहमान और जो वजीर दाखिला है शेख रशीद साहब आमने सामने आ चुके हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिसने इस्लामाबाद आना आए धरने देना है दे, लेकिन फौज के खिलाफ अगर कोई बात की गई तो 72 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। तो इसका जवाब फजल रहमान साहब देते हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वजीर दाखिला जो है वो वजीर दाखिला नहीं रहेंगे, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? जुबेरिया देखिए, एक तो ना इन लोगों ने अपने ये 45% दिमाग वाले जो एक पूरी जनरेशन तैयार की है ना, पूरी एक नस्ल तैयार की है, आपने वो देखा होगा बचपन में दोले शाही के चूहे जिनके सर छोटे रह जाते हैं, उन वो सर उनके बकायदा छोटे किए जाते हैं, उनके सरों के ऊपर ना लोहे का कंटोप चढ़ाकर उनके सरों की नशुनवा रोक दी जाती है। इसी तरह ये फजलुर रहमान के और मरियम नवाज के जितने भी फॉलोअर हैं इनकी दिमागी नशुनुमा रोक दी जाती है, बचपन से ही झूठ फ्रॉड बेशर्मी चोरी और धोखाधड़ी ये सारी चीजें सिखाकर। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि मौलाना आप अपने आप को मौलाना कहलवाते हैं, आपकी इस्लाम के लिए कौन सी खिदमात है, आपने आज तक कोई किताब लिखी हो, कोई रिसर्च पेपर लिखा हो, कोई आर्टिकल लिखा हो आलम इस्लाम के मसाइल के ऊपर, आपने किसी जगह आवाज बुलंद की हो, भाई तुम एक सियासतदान हो, सियासत करते हो तुम डीजल के परमटों पर, फिर कल तक जो अकाबरीन थे जिनके खिलाफ बात करना इस्लाम की तोहीन थी, जिनको इन्होंने परमट दिए हुए थे जन्नत के टिकट बांटने के, जिनको परमट दिए हुए थे इन्होंने कि किसी को भी यहूदी एजेंट का इजी फतवा दे दें, किसी को भी इसराइली एजेंट का इजी फतवा दे दें, किसी को भी दायरा इस्लाम से खारिज कर दें। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना शिरानी की, हाफिज हुसैन अहमद की और जो दीगर इनके अकाबरीन हैं। जरा सी तनकीद क्या की फजलुर रहमान पर कि उनसे जन्नत के टिकट भी वापस ले लिए गए, अकाबरीन इस्लाम का दर्जा भी उनसे वापस ले लिया गया, और कल बकायदा गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको हाफज हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी को इसराइली एजेंट डिक्लेयर कर दिया। ये तो इनकी अखलाकियात का आलम है। अब आ जाते हैं कि फौज के खिलाफ बयान मुफ्ती कफायतुल्ला ने दिया, अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाता है, पता नहीं कहाँ का वो मुफ्ती है, कौन सा उसने इस्लाम सीखा है, कौन सा उसने दीन सीखा है, कौन सी वो अखलाकियात की बात करता है। चंद रोज कबल उसने एक समा के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है कि आप 200 आर्मी अफसरों की गर्दनें उड़ा दें, उनको जिबा कर दें। ये कैसी सोच, मतलब जिस इंतहा पसंदी को, जिस दहशतगर्दी को हम शिकस्त देकर आगे बढ़ चुके हैं, ये मुल्ला हमें खींचकर वापस उसी नहज पर लेकर जाना चाहते हैं। फिर देखिए जुबेरिया, चंद रोज कबल आपको मालूम होगा कि एफसी की एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ, 10 जवान हमारे शहीद हुए, 10 जवान जिनके वो बेटे थे, जिनके वो भाई थे, जिनके वो शोहर थे, जिनके वो लगते जिगर थे, उनसे पूछें कि उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। यहाँ हमारे जवान हमारे वतन के लिए अपना खून कुर्बान कर रहे थे, वहां अख्तर मैंगल अपना जहरीला प्रोपिगंडा कर रहा था पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि हमारी बहुओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ये पाकिस्तान की आर्मी बेवा कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है तमाम तर दहशतगर्दी में। उन 10 खानदानों पर क्या गुजरी होगी कि जिनके जवान बच्चों के लाशें उनके घर में रखे हैं और बजाय उनकी कुर्बानियों का एतराफ करने के किस तरह से जहरीला प्रोपिगंडा किया जा रहा है। और अब देखिए फजलुर रहमान, ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं इमरान खान को हलफ नहीं उठाने दूंगा, हलफ उठाया, उसने कहा कि मैं इस पार्लियामेंट को नहीं चलने दूंगा, पार्लियामेंट चली, उसने कहा कि जनाब मैं सदर पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं होने दूंगा, और पीपल्स पार्टी ने भेजा नून लीग से मुजाकरात के लिए, निकाह खां खुद दुल्हा बन के आ गया कि मैं मुजाकरात के लिए गया था लेकिन मैं खुद सदारती उम्मीदवार हूँ, और सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी हो गया, तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान भी मुंतखब करवा लिया,
फिर इन्होंने कहा कि इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, ये जदीद हुकूमत है, फिर डेडलाइनें दी, फिर इसकी एक और चेहती सामने आ गई, उसने नारा लगा दिया कि दिसंबर में आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ। अब रही सही कसर, इनके जो जर खरीद लफाफे थे, सलीम साफी, हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच, जो आलम अरवा में खिताबत भी करते हैं, डाकिया बने हुए हैं आजकल आलम अरवा में, कभी मियाँ मोहम्मद शरीफ से मुलाकात करके आते हैं, कभी जुल्फकार अली भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई थी, अब तो वो भी मायूस हो गए। कल आपने देखा होगा जियो के शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में सलीम साफी ने किस तरह इनकी वो जैसे कहते हैं ना आम जुबान में कुत्ते वाली करना, पूरी पीडीएम की उतार के उन्होंने हाथ में दे दी कि आसिफ जरदारी डर्टी गेम कर रहा है, नवाज शरीफ भी डर्टी गेम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल मायूस हूँ इस पीडीएम से। मैं बिल्कुल इमरान खान को मैं कहता था कि नाअहल है, लेकिन इमरान खान ने अपनी अहलियत साबित की, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान का सबसे जहीन और सबसे जिद्द सियासतदान है। ये सलीम साफी के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं, और नाअहल साबित ये पीडीएम। 4 दिन पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी बने हुए थे, उनको मशवरे भी दे रहे थे कि उनको पीडीएम से अलग हो जाना चाहिए। खैर ये तो इनकी वो जब लिफाफा मिलने रहते हैं तो ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि फजलुर रहमान को ये शिकायत थी कि उनको बोलने नहीं दिया जाता प्रेस कॉन्फ्रेंसिस वगैरह में या जलसों में, तो कल हमने देखा कि मरियम नवाज तो काफी चुप खड़ी हैं, उनको इतना वक्त नहीं दिया गया जितना फजलुर रहमान ने बोला, या ये कहें कि पूरा टेबल ही उन्होंने लिया हुआ था और जिस तरह से वो बोले, तो क्या अब उनकी ये जो ये तनकीद थी या ये शिकायत ये दूर हो गई है? अच्छा जुबेरिया, देखिए मैं जिस तरह आपने मेरे ट्वीट का जिक्र भी किया, इंसान के अपने ख्यालात होते हैं ना, इंसान अपना वो एक जहन बनाकर उस हिसाब से चीजों को देखता है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये पूरा पाकिस्तान डकैत मूवमेंट यानी कि पीडीएम, ये पूरी जो तहरीक बनी थी ना, इसकी जो तदफीन का अमल था वो आसिफ अली जरदारी ने अपने मुबारक हाथों से इसके ताबूत में कीलें ठोकी, उसके बाद इसके ताबूत को तैयार किया और तदफीन उन्होंने अपने मुबारक हाथों से की, और साथ दावत दी कि कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमसे भी पूछ लो, हुकूमतें ऐसे नहीं गिरा करती, इसके लिए जेलें भरना होंगी और पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। वो ऐलान कर रहा था उस ग्वाल मंडी के नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को, और उसके बाद इसकी फातिहा खानी की कल जाती उम्रा में तकरीब रखी गई थी। फातिहा खानी, अब आप तो मालूम है कि फातिहा खानी के बाद आगे के मामला भी थे होते हैं कि सरदारी किसके सर पे जाएगी, सरबराई खानदान की किसके सर पे जाएगी, तो वो इसमें अख्तलाफात थे, बिलावल भुट्टो भी नहीं आए, तो अख्तलाफात काफी तवालत अख्तियार कर गए थे, मुजाकरात भी ना, तो उसके बाद अब दो रास्ते थे, या तो पीडीएम के फातिहा खानी के बाद मुकम्मल ऐलान कर देते कि पीडीएम अब नहीं रही अल्लाह का हुक्म, अब जाते जाते भी ये ना बचा गए, थोड़ी सी इज्जत बचा गए। इज्जत कैसे बचा गए कि हम जिमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे और इस्तीफे भी देंगे, हम सेनेट इंतखाबात भी लड़ेंगे और इस्तीफे भी देंगे, हम हुकूमत भी गिराएंगे लेकिन अभी ठंड है, हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे लेकिन थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए, हम धरना भी देंगे लेकिन धरना ज्यादा तवील नहीं होगा, हम अभी फैसला नहीं किया कि धरना हम पिंडी में देंगे इस्लामाबाद में देंगे, तो ये जो सारे इख्तलाफात थे ना, मरियम नवाज के पास तो बेचारी के पास बोलने को कुछ नहीं था, उसके पास तो टेक्निकली अगर वो किसी पढ़ी लिखी सोसाइटी में होती, जिसे कहते हैं सिविलाइज सोसाइटीज, यूके, बर्तानिया या जापान, उसको तो खुदकुशी करनी पड़ जाती कि जितने बड़े बड़े दावे उसने किए, जिस शर्मी और ढिटाई से उसने झूठ बोला कि 8 दिसंबर को या आर होगा या पार होगा, दादी की मैयत पे मुल्तान में, वो आपने देखा होगा, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, और उसके पास तो बोलने को कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उसने फजलान को आगे किया कि जहां जरूरत महसूस होगी वहां हम यहूदी कार्ड भी इस्तेमाल कर लेंगे, जहां जरूरत महसूस होगी वहां मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल कर लेंगे, जहां जरूरत महसूस हुई वहां हम ये खत्म नबूवत का कार्ड भी इस्तेमाल कर लेंगे, और चूंकि फजलुर रहमान ही सुरखेल थे इस पूरी तहरीक के, वो दुल्हा है, वैसे तो वो काजी थे लेकिन अब दुल्हा बन बैठे हैं, तो ये जो दुआए खैर थी वो उसका मौका उन्होंने फजलुर रहमान को दिया। बहुत शुक्रिया शफकत कुरैशी साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पीडीएम पे फातह खानी पड़ी जा चुकी है
और मैं पढ़ी भी जरदारी साहब ने, और अब बस ये किसी तरह जैसे फजल रहमान ने यहाँ से अपना धरना समेटा था और चले गए थे, तो इसी तरह के किसी पॉइंट पे आके जो है वो ये बात खत्म करेंगे। और पीडीएम भी वैसे तो खत्म हो चुकी है लेकिन मजीद खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।